Assalamualaikum students, I am fine and hope that you are also fine in your houses. In this lecture I will teach you next letter. Let's start question 2. Write a letter to your father asking for some money. Yani अपने फादर को एक ख़त लिखें जिसमें उनसे पैसों के मुतालिक कहें. द एग्ज़ामिनेशन हॉल कॉमा कराची फुल स्टॉप डेट 6 मई 2011. देखें यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद डायरेक्ट शहर का नाम लिख दिया. यहाँ पे आप एरिया का नाम भी कहीं भी इजाफा कर सकते हैं, ABC रोड या कोई भी एक्सेट्रा कुछ भी शहर का नाम हो वो एरिया का नाम लिखेंगे. अब आप ये आखिर में शहर का नाम लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर नहीं लिखा तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं. तो डायरेक्ट आप अपना लेटर इस तरीके भी शुरू कर सकते हैं. दोनों आपको तरीक़ेकार आपको दोनों लेटरों में बता दिए गए. माई डियर फादर, देखिए वहाँ पर डियर फ्रेंड्स है, यहाँ पर डियर फादर हो गया. वहाँ पर फ्रेंड के ना मुतालिक बातचीत की जा रही थी तो वहाँ पे डियर फ्रेंड था. यहाँ पे फादर के मुतालिक बातचीत की जाए, फादर से बात की जा रही तो माय डियर फादर यहाँ पे वर्डिंग इस्तेमाल हुई. मगर यहाँ पे आप ये देखें डेट के बाद यहाँ पे वन लाइन स्पेस छोड़ के हमने माय डियर फादर लिखा, तो इस वजह से ये तरीक़ेकार भी बिल्कुल करेक्ट है और वो जो पिछला तरीक़ेकार था विदाउट स्पेसिंग का वो भी बिल्कुल अपनी जगह पर क्लियर है. क्लियर. माय रिज़ल्ट वॉज डिक्लेयर्ड यस्टरडे, मेरा कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ. यू विल बी ग्लैड टू नो डैट आई हैव कम आउट सक्सेसफुल, आप ये जानकर खुश होंगे कि मैं कामयाब हो चुका हूँ. आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं अपनी क्लास में पहले नंबर पर आया हूँ. आई हैव टू बाई न्यू बुक्स, मुझे ख़रीदनी है नई किताबें. नोटबुक्स ख़रीदनी है, स्टेशनरी ख़रीदनी है एंड न्यू क्लॉथ और नए कपड़े ख़रीदने हैं. काइंडली सेंड मी ₹5,000, मेहरबानी करके मुझे ₹5,000 भेजें बाय मनी ऑर्डर के ज़रिए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके. फुल स्टॉप. सो डेट, इसलिए कि आई मे बाय दिया आर्टिकल्स विदाउट डिले, ताकि मैं ये अशिया या चीज़ें ख़रीद सकूँ बगैर देर किए मैं ये अशिया ये चीज़ें ख़रीद सकूँ. प्लीज़ पे मी रिस्पेक्ट टू डियर मदर, मेहरबानी करके मेरी प्यारी वालदा को एहतराम एंड लव टू लिटिल अली और छोटे अली को प्यार. यू आर लवलिंग डॉटर, आपकी प्यारी बेटी XYZ. उम्मीद करता हूँ आपको मुझे मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी अगर आपको किसी किस्म की पढ़ने में समझने में कोई दुश्वारी हुई हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आप लोग से मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.